आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। लगता है माइकल होल्डिंग को भारत के तेज रफ्तार गेंदबाजों की कामयाबी हजम नहीं हो रही है। पहले पांड्या पर बरसने वाले वेस्ट इंडीज के इस दिग्गज ने अब बुमराह को निशाना बनाया है और कहा है कि बुमराह टेस्ट में स्ट्राइकर बॉलर के लायक नहीं है और यहां तक कह दिया है कि बुमराह नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। बुमराह के हाथ में नई गेंद नहीं सौंपनी चाहिए और कहा कि बुमराह का कप्तान मैं होता तो नई गेंद कभी बुमराह के हाथ में नहीं सौंपता। इससे तो बेहतर है कि शमी या ईशान गेंद से पारी का आगाज करें, जैसा कि माइकल होल्डिंग ने एक इंटरव्यू में बताया। इससे पहले माइकल होल्डिंग ने पांड्या को निशाना बनाते हुए कहा था कि पांड्या टेस्ट के लायक नहीं है, उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बिल्कुल निचले दर्जे की है। इसका करारा जवाब देते हुए पांड्या ने मैच में 6 विकेट लेते हुए शानदार अर्धशतक लगाकर गेंद और बल्ले से खुद को साबित कर दिया है। वहीं बुमराह ने 7 विकेट लेकर साबित कर दिया और नई गेंद से भी गेंदबाजी करते हुए मात्र 10 गेंद में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया, जिसमें बटलर, वॉक्स और बेस्टो के विकेट शामिल थे। पांड्या से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया कि ऐसा बोलने के लिए माइकल होल्डिंग को पैसे मिलते हैं और मैं आलोचकों के लिए नहीं देश के लिए खेलता हूँ, कप्तान, कोच और खिलाड़ियों और पूरे देशवासियों का मुझ पर विश्वास है। वही बुमराह का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उन्होंने शानदार और जानदार तूफानी गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लेकर आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। मेरा तो यही कहना है, मेरा ही क्या सभी क्रिकेट पंडितों का, माइकल होल्डिंग को बस यही कहना है कि अपनी डूबती वेस्ट इंडीज टीम की नैया तो बचा लो और वेस्ट इंडीज के कोच बन जाओ और फिर जो एक्सपेरिमेंट करना है और सिखाना है वेस्ट इंडीज को सिखाओ और अपनी तेज गेंदबाजी के जो अनुभव टीम से साझा करने का इतना शौक है तो उस टीम के साथ साझा करो और टेस्ट में नंबर एक बनकर दिखाओ, एक नंबर एक का ताज पहन के दिखाओ जब माने हम वेस्ट इंडीज को। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो हम हिंदुस्तानियों पर उंगली मत उठाओ, पहले खुद के गिरेबा में जाग के देखो कि खुद की राष्ट्रीय टीम वेस्ट इंडीज की वर्तमान में क्या हालत है और भारत अभी नंबर एक है। जय हिंद, जय भारत और नए वीडियो के साथ जल्दी मैं आता हूँ। धन्यवाद।